बढ़िया है, ज्यादा ही कड्डी है और कम कचोरी है, लेकिन टेस्टी बना रहे आप। क्या पता, बस बन रहा है। अरे बताओ जल्दी हमको। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। हमको घुटना पेट में ही डाल रहा है ना आप लोगों को, इसको ऐसे क्या सर पे लगा के नाचेंगे तुम लोग? अभी फिर से हम लोग टेरेस पे जा रहे हैं और हम लोगों को और कुछ काम नहीं है, बस कपड़े धोते रहते हैं, सुखाते रहते हैं। और बाप रे, आज तो धूप ही नहीं आई। हाँ, और मैंने तो इतने सारे बेडशीट ना धो दी। ये रहा ना हाथ तेरे ऊपर है ना, ये देखिए कपड़े नहीं दिखाऊं। आज मैंने क्या धोई हूँ, तकिए के कवर और बेडशीट है। मुझे नहीं पता था कि धुंध आ जाएगी, पर नहीं, धूप आ जाएगी थोड़ी देर में। और तुम्हारी वजह से मैं बोलना ही भूल गई। स्वागत है आपका प्यारे बहन भाइयों हमारे आज के व्लॉग में। देखिए थोड़ी धुंध आ गई है, लेकिन धुंध होने के बावजूद नज़ारे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि आइसक्रीम हो। वहाँ पे वो जो घर बन रहा है उसके अंदर पानी डालने का काम चल रहा है, और कपड़े धोने का काम मेरा है, पर सुखाने का काम तो आपको मालूम ही है किसका है, आरिफ का। आरिफ तुम एंजॉय कर रहे हो ना ये काम को? हाँ, आरिफ को बहुत अच्छा लगता है। चप्पल क्यों नहीं पहने तुमने, ठंडी नहीं लग रही? चलिए अब आस पड़ोस में भी थोड़ा ताकाजाकी हो जाए। ये हमारा एक पड़ोस, अच्छा चम्मा की मम्मी कुछ तो कर रही है। वाह, सूरज देखिए, वो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वो ऐसे सीनरी वगैरह में दिखाते हैं, ऐसे शुआएं निकली रहती है साइड में, क्या बोलते हैं उसको यार? किरने। हाँ किरने, उर्दू में क्या है ना, शुआएं बोलते हैं। तो बस पढ़ लिया था तो याद रह गया। और सूरज चमक रहा है, इतना ज़ोर से नहीं चमक पा रहा है, अभी थोड़ी देर में बादल हट जाएंगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। बादल तो एकदम आइसक्रीम की तरह बने हुए हैं, ऐसे शानदार नज़ारे आप लोगों को मेरे ही ब्लॉग में देखने मिलेंगे, है ना आरिफ? मैं आप लोगों को एकदम, रुकिए मैं आती हूँ। ठंडी है इसलिए मैंने ये बांधा हुआ है, मुझे तो ठंडी चलती ही नहीं, कान वन सब एकदम हो जाते। तो मैं क्या बोल रही थी रे? मौसम अच्छा है। मैं तो भूल भी गई कि मैं क्या बोल रही थी। हाँ मौसम अच्छा है, गाँव अच्छा है, बस कुछ तो बात थी जो मैं भूल चुकी हूँ। ऐसा नज़ारे नहीं दिखेंगे। हाँ ये नज़ारे हम लोगों को, वैसे तो मैंने कलवा में भी देखे, हम लोग कलवा में तो पहाड़ पे रहते थे, और पवई में जहाँ मैं पैदा हुई हूँ वहाँ पे भी पहाड़ पे ही रहते थे, लेकिन जो कलवा नहीं, यहाँ के अलग नज़ारे। और कलवा तो था ही ब्यूटीफुल, वो तो हिल स्टेशन बन जाता था, लोगों ने गंदगी मचा रखी थी, वरना एक नंबर जगह थी वो। फिर अब जो भी दिन भर होगा हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे, हमारे साथ बनी रही। आज आई थी, स्कूल जा रही है, मैं छुट्टी कर रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही हो रहा है। स्वागत है, स्वागत है प्यारे बहन भाइयों। पापा तैयार हो रहे हैं लॉगिंग के लिए, कुछ कहना चाहेगी? अजीब सा लग रहा है, मैंने तो छुआ भी नहीं मेरे बालों पर। पापा स्वागत है आपका प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है। इस बात को जी मत करो। और आरिफ क्या कर रहे हो? चाय पी रहे हैं। हाँ चाय। और देखो बिस्किट छुपा लिया गया है। नहीं बिस्किट खाया ही नहीं तुमने आज, बिस्किट क्यों नहीं खाया? मन नहीं कर रहा यार आज, आरिफ का मन नहीं कर रहा बिस्किट खाने का। और मैं आप लोगों को आज की दिनचर्या के बारे में थोड़ा आज एडवांस में बताती हूँ। आज जैक की छुट्टी करवाई जाएगी, आयत को स्कूल में भेज दीजिए। एक मिनट, मेरे भी पेट में अजीब सा लग रहा है, इधर दर्द हो रहा है ना। ये सब झूठ, उसके पेट में मत डाल झूठ बात के, इधर दर्द हो रहा है। वो जाएगी फिर सोएगी, ठीक हो जाएगा, तू उधर जा चल। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज पापा मतलब आरिफ के पापा गए हैं मकराना, तो हम लोग आज बनाएंगे छोले और पूरी। छोले तो रात को ही बनाने के लिए मम्मी ने भिगा दिए थे, बताई भी नहीं कि पापा मकराने जा रहे, तो हम लोग है ना अभी बनाएंगे, और हो सके का तो उसका व्लॉग शूट करेंगे। मतलब मेन बताने का मकसद ये है कि शायद व्लॉग शूट कर पाए उसका, क्योंकि फिर पापा रहते तो घूंघट लेके बनाना विनाना उस व्लॉग शूट नहीं हो पाता है। पापा अभी गए तो अभी अपन व्लॉग शूट करेंगे, फिर हो सकेगा तो ज़रूर करेंगे छोले पूड़ी। ठीक है, ये लोग स्कूल जाएंगे तभी मैं छोले बना लूँगी, फिर जब ये लोग स्कूल से आएंगे ना तब गर्मा गर्म पूड़ी पकई बे और हलवा। नहीं हलवे का सिर्फ गाना गा रही हूँ, हलवा खिला रही नहीं, मतलब बनाएंगे नहीं हम लोग, हम लोग को हलवा पसंद नहीं है, हमारे घर में कोई भी हलवा नहीं खाता है। ठीक है,
तो आप लोगों ने हमारे साथ में दोस्तों देखिए आज हम बनाएंगे छाछ और मैदा है ये मैदा में हम लोग ना भटूरे के लिए ना अच्छा आज छोला भटूरा बनेगा भटूरे के लिए ये तैयारी कर रहे हैं मैदा ले लिया गया है। हेलो दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे क्या बना रहे भटूरे बना छोले भटूरे बना रहे एकदम टेस्टी और इतना हो जाएगा अपन लोग को क्या और करूँ अच्छा अच्छा इतना ये मैदा था तो मैदा क्यों मम्मी ये वाला भी डाल दूँ थोड़ा आज मैं टेस्टी टेस्टी छोले भटूरे बनेंगे नमक आपके स्वाद के अनुसार दही हाँ 200 ग्राम दही डाल रहे हैं आधा किलो में 200 ग्राम दही अच्छी तरह मिक्स कर हाँ छाछ कौन खोलेगा आप मेरे लिए छाछ को खोल के इसमें डाल दूँ थोड़ी देर कैंप के ये क्या छाछ है छाछ छाछ के साथ भूनेंगे दही डाला छाछ डाल रहे हैं अच्छा ये सब सही है ना वो अच्छा लौकी बनेगा अब लौकी का तो पानी डालेंगे देखते हैं लौकी का तो ही डालेंगे देखो कड्डी कचोरी खा रहा है जैदू अपनी व्लॉगिंग करते हुए हाय हाय ये देखो यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स दिख जाएगा तुम लोग को ये चैनल पे ताजा फैमिली व्लॉग्स हाँ मेरे को तो छोटा बंदा है तू जीरो सब्सक्राइबर कोई बात नहीं बढ़िया रही है कचौरी स्कूल छोड़ के आया हूँ और साथ में कद्दू की कचौरी लाया था कम कचौरी है लेकिन बहुत टेस्टी है वैसे और बहुत टेस्टी भी है खा के दिखाया मैंने देखा बहुत अच्छा लगा और आपको अभी छोले बन रहे हैं नीचे आटा गूंदने की तैयारी चल रही है तब तक हम लोग नाश्ता कर लेते हैं फिर रात जब दोपहर में खाना खाएंगे तो छोले भटूरे भी आपको अभी बनते हुए भी दिखाएंगे और खाते हुए भी दिखाएंगे चलिए दोस्तों देखो कपड़े धुल चुके हैं अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर कपड़े सुखाने के लिए और ये खाने का दस्तरखान सुखा रही है दोस्तों देखिए सब कपड़े सूख चुके हैं अब लोग हम नीचे चलते हैं काम वाली आंटी आई थी इसीलिए सामान हमने उधर रख दिया था जो आटा हमने गूंदा था अब देखिए वो पूरा फूल गया है चने उबाल करके चने को नमक और हल्दी में उबाला है नहीं उसको पैक रहने देना है खोलना नहीं अभी मैं भाजी गूंद रही हूँ भाजी के लिए सामान निकालती हूँ पूरा फ्रिज में से टमाटर और हरी मिर्ची लिखा है एक अदरक लहसुन पेस्ट का डब्बा भी है
मैं अदरक लहसुन लेती हूँ, फिर तू टमाटर वापस रख के आना। गड़बड़ी हो रही है। अब टमाटर धोएंगे, बर्तन लगाने बाकी हैं हमारे। पहले मसाला पीस लेती हूँ, लाइट चली गई तो ठीक है। आपकी इच्छा के अनुसार आप लीजिए। वो वाइट डब्बा देख नीचे का, जिसके ऊपर ग्रीन से लिखा है। जितना मसाला बना है उतना ये डालो टमाटर। इमली भिगाना भूल गई, पर कोई बात नहीं, बिना भिगाए डाल दो, मसाले में पिस जाएगी। हमने टॉप में तेल डाल दिया, तेल गर्म हो गया है। जीरा और कांदा डाल आधा चम्मच। हमने हरी मिर्ची डाली है, अब लाल मिर्ची भी डालेंगे। हम लोग क्या क्या तीखा ज़्यादा खाते हैं। गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है। अब मसाला भून गया है, इसके अंदर हम डालेंगे नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया और गरम मसाला। मसाला भुन चुका है, अब हम चने डाल रहे हैं। चनों को भी थोड़ी देर से दो चार मिनट तो भूनेंगे। शानदार लुक आ रहा है, ऐसे ही देखिए तुझे कच्चे है ना। अब जाके नहाना होगा। अब हम डालेंगे पानी। पानी तो आपकी मर्जी है, काम कितना डालना अच्छा। बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि चने उबले हुए हैं तो ज़्यादा पानी मत डालो, ऐसा कुछ पकाना नहीं है। चनों को फोड़ेंगे बाद में, लेकिन अभी इसको खोलने लेंगे। ये जैद खा रहा है चना मसाला, अच्छा अच्छा लगा, बढ़िया खा रहे। देखिए गूंदने के बाद इसे रख दिया था, अच्छा खासा है ना, फ्लफीनेस आ गया इसमें, थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया। जैद एक साइड में बैठ जा बेटा, ये गिर सकती थी अभी कटोरी, सभी तरफ किचन में फैल जाएगा। बताइए अब आटे को हम वापस से चेक करें। 2 घंटे हो गए आटे को रखे हुए। 2 घंटे में अच्छा हो गया। हाँ। मैं भी लूंगा। चलो बढ़िया, अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। रखोगे किधर? ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सूखा आटा लेना पड़ेगा। हाथों को थोड़ा ये आटा गूंदा हुआ आटा चिपक रहा है, तो अभी सूखा आटा लेके उनके पेड़े बना लेंगे। मिलती मैं आपसे इस पेड़े बनाने।
जब तक मम्मी पेड़े बना रही तब तक तुम लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। और क्या कर सकते हैं पापा, बस यही कर सकते, कर दो। थैंक यू दोस्तों, आप सब छोलों को फोड़ रहे हैं है ना? हाँ। सबको अच्छी तरह घोट लेंगे तो और अच्छा टेस्ट बढ़ जाएगा। बहुत ही अच्छे छोले बना रही है ये प्रोफेशनल, एकदम होटल जैसा। आप खाएंगे तो बार बार खाने आ जाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एकदम मजबूत मजबूत, एक नंबर, एक नंबर भाई। क्या बोलते भाई? जिस किसी को खाना है। ये क्या डाल रही है? थोड़ा गरम मसाला। थोड़ा गरम मसाला डाल दें थोड़ा और टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। खराब नहीं हुई है, लाइट चली गई है बेटा। जब तक भाजी थोड़ी और हॉल रही है, हम जल्दी से थोड़े से कर लेते हैं भटूरा। बढ़िया लुक आ रहा है इधर, फ्लफी फ्लफी भटूरे। ये सब हो जाए तो आप टेंशन ना लें, ऐसी हो जाता है भाई भाई। आज हम दुनिया का हर एक नक्शा खाएंगे। हाँ, भटूरे का नक्शा। कहाँ का नक्शा बना रहे हैं आप? क्या पता बस बन रहा है। कहाँ का बना रहे, बताओ जल्दी हमको। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। हमको घुटना पेट में ही डालना है ना आप लोगों को। इसको ऐसे क्या सर पे लगा के नाचेंगे तुम लोग? गुमनामी में कौन से देश खा जाएंगे हम लोग? हमारे छोले तो रेडी है, थोड़ा और अच्छा फल जाए फिर हम डालेंगे उसके अंदर। उसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे, तेल चढ़ाएंगे, फटाफट भटूरे बनाने। समय बहुत कम है हमारे पास, लाइट भी चली गई अचानक से। चलो बस भाजी है। बस भटूरा डूब जाए उतना ही तेल डालना है, ज़्यादा तेल नहीं। दोस्तों देखिए कितने लाजवाब छोले भटूरे, अम्मी को दे देते हैं। अम्मी हेलो, खा लिया तुम? खाओ, बढ़िया है। कैसा लगा खा के बताना? टेस्टी है। चलो बढ़िया है, खाओ। तो कितने मस्त चल रहे भटूरे, हमारे भटूरे तैयार हो चुके हैं। अब जैसे जैसे तैयार होंगे हम लोग खाना खाने चालू कर देंगे। ये पहला भटूरा तैयार हो चुका है, कितना शानदार लग रहा है। थाली लेना ऐसी वाली। ये गया देखो, गर्मा गर्म कैसे दुर्राड़े मार रही है देखो। ओम खो ओम खो। ये डायलॉग डालना पड़ेगा, ये चीज बहुत बढ़िया डायलॉग है भाई साहब। अभी तो इंडिया में यही चल रहा है, आजकल इंडिया में यही चल रहा है ना? आप भी बताइए, क्या आपके भी दुर्राड़े काटती है? हमारी तो बहुत काटती है। अरे यार, अरे ओम फो, चलो ठीक है, मजा आ गया मजा आ गया। जैसे जैसे बनते जाएंगे हम लोग खा के आपको दिखाते जाएंगे। हाँ। जैद खाने गया तो हाँ। ये देखिए जैद खाना खाने बैठ चुका है, छोले भटूरे खा रहा है। देखो बहुत टेस्टी है। अरे पूरी क्रंची है, आवाज़ आ रही है पूरी क्रंची क्रंची है ना, बहुत बढ़िया क्रंची है। चलिए खा ले तो मैं भी खाता हूँ। अच्छा जैद। हाँ। ये देखो गर्मा गर्म मम्मी लाती जा रही है, बच्चा खाते जा रहा है। तो
डालूंगी। थोड़े और बन जाएंगे सब। अपन दोनों एक साथ ही खा लेते हैं ना। कौन? अपन दोनों। मैं बना ले फिर। नहीं, तुम लोग खा लो, फिर पता तो चलेगा। टीवी चालू कर लेना बाद में। तो अब जिसने बनाया वो भी खा रही है। कैसा लगा आपको खा के? बहुत टेस्टी लगा। बहुत टेस्टी। बढ़िया बढ़िया। जिसको भी खाना है आपके मेरे साथ खा सकता है। कपाक नम नम नम, उंगलियां चाट जाओगे। बहुत टेस्टी बनाया है, है ना? हाँ बहुत टेस्टी बनाया है। हाँ आए तो स्कूल गई है, वो स्कूल जाएगी फिर खाएगी। मिलते हैं आपसे अब थोड़ी देर में।